पिछले एपिसोड में आपने देखा कि बादल पंडित जी को चार वचन देता है। वह पंडित जी को वचन देकर घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अब देखते हैं आगे। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो ये नास्तिक से आस्तिक बन गए। हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा, जय श्री खाटू श्याम जी। अरे, ये तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं पंडित जी को वचन दे चुका हूँ, बस उसी को निभा रहा हूँ। अरे खाटू, आज खेलने आएगा या नहीं? हाँ, आ रहा हूँ। क्यों दीनू, मजा आया ना? हाँ घाटू, मजा तो बहुत आया, परंतु घर जाऊंगा तो माँ बहुत मारेगी आज। अरे बच्चों, तुम दोनों कौन हो और हमारे इस गांव में क्या कर रहे हो? अनोखी भैया, आपने पहचाना नहीं? ये दीनू है और मैं घाटू हूँ। ओ, तुम दोनों तो पहचान में ही नहीं आ रहे हो, बहुत मस्ती की है आज तुमने। बादल नदी किनारे बैठा कुछ सोच रहा होता है कि तभी उसके पास कुछ महात्मा आते हैं। महात्माओं को देखकर उसे पंडित जी को दिया वचन याद आ गया। प्रणाम महात्माओं। प्रणाम पुत्र। यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो मेरे घर चलकर भोजन कीजिए। क्यों नहीं पुत्र, चलो। गायत्री, बाहर कुछ महात्मा आए हैं, उनके भोजन की व्यवस्था करनी होगी। सुनिए जी, घर में इतना राशन नहीं है कि सबको भोजन करा पाऊं। तुम चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर बाद बादल अपनी पत्नी के पास हाथ में एक थैली लिए आता है। भाग्यवान, ये लो भोजन की सामग्री, अब जल्दी से भोजन बना दो, अन्यथा महात्मा लोग क्रोधित हो जाएंगे। क्या हुआ जी, थोड़े परेशान दिखाई दे रहे हो? आज जो भोजन तुमने महात्माओं के लिए पकाया था, उसकी सामग्री मैंने लाला सुखी लाल की दुकान से चुराई थी। मैं चोरी कर जब घर आ रहा था तो रास्ते में कीचड़ होने के कारण मेरे पैरों के निशान वहाँ छप गए हैं। अब मैं पकड़ा जाऊंगा। आप चिंता ना करें, प्रभु श्याम सब ठीक करेंगे। तभी वहाँ जोरों की वर्षा शुरू हो जाती है। श्याम बाबा, तू सच में हारे का सहारा है। अभी मैं सोच ही रहा था कि मैं पकड़ा जाऊंगा कि इतने में तूने वर्षा कर मेरे पैरों के निशान ही मिटा दिए। अब बादल का खाटू के श्याम बाबा पर और भी अटूट भरोसा हो जाता है। कुछ समय बाद वह अपना मन बना लेता है कि अब वो चोरी छोड़ देगा। आज मार्ग में वह तोता राम और बलराज से मिलता है। जय श्री श्याम साहूकार जी। हाँ हाँ, ठीक है, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाइए कैसे हैं? हम भी ठीक ही हैं। और बताओ, तुम कहाँ जा रहे हो? कल जरूरतमंदों को थोड़ा अन्न दान करने की सोच रहा हूँ, उसी की व्यवस्था करने जा रहा हूँ। दीदाजी दीदाजी, कल आप भी जरूरतमंदों के साथ बैठ जाना तो आपको भी थोड़ा अन्न मुफ्त में मिल जाएगा। चल भाग यहाँ से, सारा दिन फिजूल बातें करता रहता है। वैसे तोता कहे तो ठीक ही रहा है, इस बहाने थोड़ी सी बचत हो जाएगी। अगले दिन बादल सभी को अन्न बांट रहा होता है, तभी चुपके से वहाँ बलराज मुंह ढक कर बैठ जाता है।
अगले ही पल बगल में तोता भी वहां आकर बैठ जाता है। जीजा और साला दोनों को पता नहीं होता कि दोनों वहां आए हैं। अल्ले जीजा जी, आप यहां? अरे मैं तो पकड़ा गया। मूर्ख तोते, मैं तो तुझे पकड़ने आया था। मुझे पता था मुफ्त चीजों पर तेरी नजर रहती है। अब चल घर नालायक कहीं का। दादी मैं जानता हूँ आप भी वहाँ मुफ्त का लाचन लेने गए थे, फिर मुझे क्यों दाता? अरे मेरे प्यारे तोते, तू तो मेरा प्यारा साला है। थोड़ा डांट भी दिया तो क्या हुआ, घर की ही तो बात है। परंतु सुन, ये बात किसी को मत बताना। एक दिन घाटों ने बादल को गुरु द्रोणाचार्य और उसके शिष्य एकलव्य की कथा सुनाई। अब बादल के मन में भी पंडित जी को गुरु दक्षिणा देने की सूझी। पुत्र घाटो, मैं पंडित जी जिन्हें मैं अपना गुरु मानता हूँ, उन्हें कुछ भेंट करना चाहता हूँ। पिताजी, क्या आप भी पंडित जी को गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा काट कर देंगे? अरे नहीं रे, अभी कुछ सोचा नहीं है। बादल पास के गांव के एक धनी व्यक्ति का घोड़ा चुरा लेता है। व्यक्ति बादल को खोजता हुआ गोपालगढ़ आता है और एक पेड़ के पास अपना घोड़ा बंधा हुआ देखता है। भाई, ये घोड़ा किसका है? क्या तुम जानते हो कि इस घोड़े का घुड़सवार कहाँ है? इस घोड़े का घुड़सवार तो मंदिर में आरती कर रहा है। व्यक्ति गौर से घोड़े को निहारता है। यह घोड़ा तो हूबहू मेरे घोड़े जैसा ही है, परंतु यह नीले रंग का कैसे हो गया? तभी पंडित जी बादल के साथ मंदिर से बाहर आते हैं। बादल व्यक्ति को देख समझ जाता है कि वह व्यक्ति उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया है। तुम तो वही हो ना जिसने मेरा घोड़ा चोरी किया था? हाँ भाई, मैं वही हूँ, मुझे क्षमा कर दो। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम श्याम भक्त हो? परंतु तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? प्रभु श्याम लीले पर चढ़कर आते हैं। मेरा घोड़ा सफेद रंग का था, परंतु अब ये नीले रंग का हो गया है। जब मैं दूर से जा रहा था तो मुझे इसमें श्याम बाबा की परछाई दिखाई पड़ी। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, जय श्री श्याम। हे बाबा, मैं तेरी सौगंध लेता हूँ कि आज से चोरी जैसे बुरे काम बिल्कुल छोड़ दूंगा। भाई, मैं भी श्याम दीवाना हूँ। तुम्हारे ही जैसे मेरे जीवन में भी बाबा ने अपने चमत्कार से जोत जलाई है। हाँ, आप सच कह रहे हैं। जो भी सच्चे मन से बाबा श्याम को ध्या लेता है, वो जीवन के हर संघर्ष को हंसते हंसते पार कर लेता है। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें। धन्यवाद।